वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। तुसी किन्ना भी पैसा कमा लवो अते परिवार विच भी कोई कमी ना होवे, शरीरक पक्ष तो भी सुखी क्यों ना होवो, देश विदेश दोनों देख लवो, पर ता भी ना ता यह होर दी भुख मिटदी है, अते जद तक भुख नहीं मिटदी संतुष्टि भी नहीं आती, तद तक सुकून भी नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया के किसी भी चीज या वस्तु अंदर संतुष्टि है ही नहीं, आनंद खेड़ा है ही नहीं। यह आनंद खेड़ा कितों मिलता है? यह आनंद खेड़ा केवल धार्मिक जगत अंदर गुरबाणी अंदर है। जिन्ना कोई गुरबाणी नाल जुड़ता है उसके अंदर की खुशी वधदी जाती है, यह खुशी उसके चेहरे तो भी झलकती है। एक दिन ऐसी अवस्था भी मिलती है जिस नाल उसका जन्म ही सफल हो जाता है, पर यह अवस्था गुरु की कृपा तो बिना नहीं मिल सकती। साड़ी अज की साखी तो भी यही सेध मिलती है कि ऐसा की करना चाहिए है कि सानू भी अंदर का आनंद खेड़ा शांति मिले और जन्म भी सफल हो जाए। एक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनो लाइक अते शेयर जरूर करना। जेड़े चैनल ते नवे हन सब्सक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक यूनिवर्सिटी के अध्यापक होए हैं जतिंदर सिंह। जापान की यूनिवर्सिटी उतों भी उन्होंने पढ़ाई की, पर नाल नाल अभ्यासी भी होए हैं। उन्होंने अपना बचन किसी महापुरश को सुनाया। वह कह लगे किसी महापुरशा वालों नाम अभ्यास का 7 दिन का कैंप लगाया गया। मैं भी 7 दिन का कैंप अटेंड करने गया, 7 दिन उत्थे ही रहना सी। वह कह लगे मेरा मन बड़ा जुड़िया। पहले ही दिन की समाप्ति तो बाद उन्हां दा महापुरशां नाल मेल होया अते उन्हां ने महापुरशां नूं आख्या कि मेरे अंदर भी सिमरन चला दिओ। तां महापुरश कहन लगे कोई नहीं, गुरु साहब कृपा करनगे। उन्हां ने दस्या दूजे दिन भी कैंप मैं अटेंड किया, तीजे दिन भी अटेंड किया, तीजे दिन फिर समा मिलिया अते महापुरशां नूं उन्हां ने बेनती की मेरे अंदर भी सिमरन चला दिओ। तां महापुरशां ने उन्हां नूं एक सीढ़ी दित्ती कि प्यार नाल सुनिया कर, गुरु साहब बिद बनाउणगे। चौथे दिन भी कैंप लगा, 5वें दिन फिर उन्हां दा मेल हो गया महापुरशां नाल। उन्हां ने फिर अरदास कीती कि मेरे अंदर भी सिमरन चला दिओ। महापुरश कहण लगे कोई नहीं, समा गुरु नानक साहब आपे बनाउणगे। उन्हां ने दस्या 7वां दिन सी, महापुरश सवेरे सैर करन जा रहे सन। वह कहण लगे मैं भी मगर मगर चल पिया अते महापुरशां नूं बेनती कीती कि मेरा भी अनहद नाद चला दिओ, सिमरन चला दिओ। तां महापुरशां ने कहा कोई नहीं अरदास कर। जदों महापुरशां ने इन्नी गल कही ते ओह कहन लगे कि मेरे मुखों निकल गया कि 7 दिन हो गए हन, लारे ही लगाई जांदे हन, कदी सीढ़ी फड़ा देंदे हो, कदी कहिंदे हो कोई नहीं, कदी कहिंदे हो अरदास कर, 7 दिन हो गए हन, मैनू लारे लगा के टल रहे हो। भांडा भी तैयार सी, कृपा भी सी, बहुत संगतां जांदियां सन। इंज कहा कि 7 दिन हो गए लारे लगांदिया लगांदिया, पता नहीं उन्हां संतां दा महापुरशां दा की मूड आया, की मौज आई। अते उन्हां ने मेरे कंधे कोल हाथ मार के कहा कलगी धर जी मेहर करन ते की नहीं हो सकता। यह लफज गए पर अपने उत्ते वडियाई नहीं लई। कोल खड़ के कहा जे कलगी धर पिता जी मेहर करन ते हुने ही चल सकता है। हुण ओह अध्यापक कहन लगे उन्हां दी इन्नी गल कहन दी ही देर सी कि मेरे सज्जे कन्न विच वाहेगुरु दी धुनी साजां तो बिना ही चलनी शुरू हो गई अते हुण भी चलदी रहिंदी है। उस दिन दी कलगीधर पिता जी ने ऐसी कृपा कीती, जिथे भी मैं जावां इक कन्न विच वाहेगुरु दी धुनी सुनदी ही रहिंदी है। गुरु महाराज जिस उपर भी कृपा करदे हन उस दी सिमरन दी धुनी चल पैंदी है, जिसनों अनहद नाच कहते हैं, साजां तो बिना धुनी चलना। इस अनहद नाद का गुरबाणी विच भी जिक्र किया है, अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए,
जिन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।